कैसे हो भैया? अच्छा है, बढ़िया हाल है। बढ़िया। क्या नाम है, अपना नाम बताएं एक बार। मेरा नाम हरदीप सिंह। हरदीप सिंह, तो हरदीप जी कहाँ से हो? गुजरात से ही हो? गुजरात से। तो हिंदी बोल लेते हो? हैं हाँ। तो कहीं पहले बाहर रह आती है? थोड़ी बहुत आती है, पर यानी कि जो गुजराती बोलने में जो कॉन्फिडेंस रहता होगा वो हिंदी बोलने में नहीं आता होगा। उतना नहीं है। उतना नहीं आता है। तो अभी आपकी क्या उम्र है? मेरी 28 साल। 28 साल की। बाकी आप अभी ये अपने सामने जो खड़ी है काठियावाड़ी बच्ची है, है ना? पच कल्याण में है क्या? पच कल्याण है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट में कितनी होगी ये? 58-59 के लगभग। वैसे काठियावाड़ी की यानी कि अगर मेन हाइट की बात करें तो कितनी रहती है मेन हाइट? बस इतनी इतनी 58-59-60 के करीब ही, ज़्यादा से ज़्यादा 60 यानी कि है। अगर इसके कलर की बात करें तो कलर में क्या है अभी ये? लाल 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 माकड़ा। लाल माकड़ा। तो किस घोड़े की बच्ची है ये पता है? किस घोड़े? दिलावर की। दिलावर की है। तो दिलावर यानी कि काठियावाड़ी घोड़ा होगा आपके गुजरात का ही? अभी नहीं रहा। हाँ, इसकी बच्ची है। पर आपके यहाँ के गुजरात का ही काठियावाड़ी घोड़ा होगा वो। तो क्या नाम रख रखा है अभी इसका आपने? केसर। केसर। भाई पूछ पूछ तो काफ़ी लंबी कर दी इसकी है। इसकी खूबसूरती पूछ से ही होती है, है ना? इसकी खूबसूरती पूछ से ही होती है। पूछ से ही काठियावाड़ी की? काठियावाड़ी की जो चलती है तो उसी को जमीन पर ढलती आती है। कभी आप पूछ थोड़ी काटते होगे इनकी? नहीं, कभी नहीं काटते। तो आपको भी घोड़ों का शौक है? पूरा पूरा। कितना टाइम से? काठियावाड़ी रखते थे आपकी पीढ़ी में भी? काठियावाड़ी में 36 जात के घोड़े होते हैं। कितने जात के? 36 जात के। मेरे पास वो सिंगाड़ी जात की घोड़ी है, ये है ना हिरण जात की घोड़ी है। हिरण? हिरण जात की। यानी कि 36 जात आती है? 36 जात आती है, हिरण जात की है। और मेरे पास ये सिंगाड़ा जात की होती है। सिंगाड़ा। तो अगर कलर की बात करें तो इसमें कलर कितने आते होंगे काठियावाड़ी में? तीन कलर मेन। कौन कौन से? लाल, हाँ, माकड़ा, हाँ, क्याड़ा और रोजा, चार कलर मेन। और जो बाकी के कलर रहते हैं वो काठियावाड़ी में होते हैं? अच्छा, मिक्स में रहते हैं। तो ये अभी प्योर काठियावाड़ी है क्या? काठियावाड़ी। यानी कि कैसे कह सकते हो आप प्योर काठियावाड़ी? क्या पहचान रहती है काठियावाड़ी की? काठियावाड़ी की पहचान इसकी ये गुड़ी टुकी होती है। अच्छा, ये जड़बा लंबा होता है। ये जबड़ा? हाँ, जबड़ा लंबा होता। अच्छा, इसमें चार वाका, चार टूका, चार लंबा और चार पोड़ा। ओके। इसको सोड़ बाब बोलते हैं। स्वर्ण बाग। सोड़ बाब। अच्छा, सोला बाब। सोला बाग। अभी काठियावाड़ में 12 बाब की घोड़ी है, 16 बाब की घोड़ी है ही नहीं। है ही नहीं है, ये आपके पास में बस? यही बाब की नहीं है, ये भी 12 की है। बाब की है। अच्छा, 16 की कोई नहीं है? जामनगर स्टेट है ना, वहाँ इसके है। और काठी दरबारू होते हैं, काठी राजपूत। अच्छा, उसके बाद 16 बाब की घोड़ी है, वो किसी को दिखाते नहीं है। दिखाते नहीं है? नहीं। तो आपके इस एरिया में आपके पास में ही है घोड़ी ये काठियावाड़ी के? और भी है? बहुत है, और भी है। और भी है, बस उसके पहचानने वाले बहुत कम लोग हैं। पहचानने वाले बहुत कम लोग हैं। तो जैसे भाई साहब कि आज के टाइम में काठियावाड़ी बहुत कम होता जा रहा है आपके काठियावाड़ में, तो क्या वजह है उसकी? यानी कि अभी जमीन टूकी हो गई। हाँ, इसको खाने पीने के लिए स्पेशल शौक है। हाँ, वही रख सकते हैं, जो हिसाब किताब करते हैं वो रख नहीं सकते। नहीं रख सकते। तो अभी आप अगर इसके खर्चे की बात करें तो कितना खर्चा होगा इसका? टाइमिंग का 300 रुपया डेली का। वैसे तो हम हिसाब करें ही नहीं है इसका। हाँ, हिसाब करें तो ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। जब भी लगभग यानी कि महीने का 10,000? पक्का 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा। तो ये काठियावाड़ी और जो मारवाड़ी रहती है इनकी डाइट में भी फर्क रहता है क्या? होता है, फर्क होता है। क्या तो आप कैसे सुबह से शाम तक डाइट में क्या देते हो इसको? अभी ज़्यादा इसको सूखा चारा ज़्यादा देते हैं। सूखा चारा। अच्छा, जो ये पड़ा हुआ है आपके यही? हाँ, ये मूंगफली का। अच्छा, तो ये खाली इसी के लिए, घोड़ी के लिए कि गाय वगैरह के लिए? गाय भैंस को भी देते हैं, पर ये ज़्यादा लेती है। और लीले में रज का। नीले में रज का। रज का। तो अभी आप इसको राइडिंग वगैरह करवाते हो क्या? हाँ, करते हो। उसके पास जमीन ज्यादा है, उसके पास टाइम कम होता है। अच्छा, इसलिए अठवाड़ी करता हूँ मैं, 2 दिन में एक दान करता हूँ, 2 दिन में। अच्छा, 2 दिन में एक बार? एक बार। यानी जो भी बोलते, वैसे गुजरात में आदमी जो भी बोलता है सच बोलता है ना? है? सच के सिवा कुछ सच के सिवा कुछ नहीं हुए। तो गुजरात का आदमी झूठ क्यों नहीं बोलता?
दूसरे खबर है, हम नहीं बोलते कभी झूठ, कभी भी नहीं बोलते है। हम झूठ बोलते हैं अगर किसी की जान बचती है ना तो झूठ बोलते हैं। अच्छा, किसी की जान बच रही है तो ही झूठ बोलोगे, बाकी का वैसे अन्यथा झूठ नहीं बोलोगे। चलो, ये गुजरात की मेरे को यही बात अच्छी लगी कि आदमी यहाँ झूठ कम बोलता है, भाग गया तो सपाट झूठ चलता है घोड़ा लाइन में। बाकी लोग जैसे कि आपके पास में घोड़ी है तो देखने के लिए आते हैं बल लोग बाग आते 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 हैं। तो जैसे आज के टाइम में लोग मारवाड़ी को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और काठियावाड़ी को नहीं दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? दे रहा है ना जिसको पता नहीं होता है काठियावाड़ी क्या चीज है। अच्छा, मारवाड़ और काठियावाड़ दोनों चलाते हैं ना, हाँ। तो 3 किलोमीटर में मारवाड़ थक जाते हैं और ये 12 किलोमीटर थकती नहीं है। अच्छा, थकती नहीं है, ये इतना फर्क है यानी कि। और वो सवार को पहचान लेती है, अगर ये गांव से निकलता है ना ये यहाँ बोलने लगती है। अच्छा, ये रोड पे से निकलते हैं तो निकलता होती बोलने लगती है कि मेरा सवार आ रहा है। अच्छा, यानी कि वो इतनी दूर से पता चल जाता है उसको, इतनी सुगंध आ रही है, सोडम खुशबू आती है उसको, जो खुशबू आ जाए वफादार है ज्यादा, यानी वफादार से, यानी कि सैन से, यानी कि कैसे वफादार मानते हो आप, यानी कि वफादार कैसे मानते हो, यानी कि इसको वफादार इतिहास में जो आप देखो तो इसकी वफादारी ज्यादा मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा, बाकी सीधी भी है घोड़ी शायद, है ना? नहीं नहीं, इसको ये सर पैर है ना ये, हाँ चले चले बहुत सीधी, ये मेरी तो घोड़ी नहीं है। अच्छा अच्छा, ये भाई साहब की है। अच्छा, तो ये लगा भी, यानी लात नहीं मार रही, बाकी तो घोड़िया लात मार देती है ना। और मारवाड़ी घोड़ा ऊंचा होता है ना, इसके कान लंबे होते हैं। अच्छा, दिखने में रूपारा होता है, पर वो 10 साल का होने इसका ये है ना झंडा होता है, कैसा हो जाता है। अच्छा अच्छा, एक बार इसका दिखाओगे नीचे से? इसकी ये निशानी है। अच्छा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके तो अभी, है ना? जा निशानी इसका, ये चार पैरों में होती है, इसे इससे काठियावाड़ी पहचाना जाती है। ये निशान होता है ना, इसमें से काठियावाड़ी पहचानी जाती है। ये चार चार में निशान होते हैं, चार में ऐसे निशान होते हैं, चार पैर में, चारों में, चार पंच में इसमें होता है। अच्छा अच्छा, ऐसे काठियावाड़ी पहचानी जाती है। भाई, आपके एरिया में तो मारवाड़ी बहुत कम रखते होंगे, है ना? रखते नहीं, मारवाड़ी दिखते भी नहीं है। अच्छा, देखते भी नहीं हो, यानी मेरे को लगे वीडियो भी नहीं देखते होगे मारवाड़ी वालों। मारवाड़ी दिखता ही नहीं, कोई लेता तो ना बोलते मारवाड़ी मत लो। अच्छा, मारवाड़ी मत लो, हमारे गुजरात पे इसको पता नहीं है। अब वो आपके एरिया का भाई काठियावाड़ी फेमस है तो आप इसलिए काठियावाड़ी रखते हो, यानी कि उसको सबको पता ही होता है, है ना? हमारे पास आता तो हम इसको बोलते हैं कि रखना है तो काठियावाड़ी रखो। अच्छा अच्छा, हमारी कल्चर रखो। महाराणा प्रताप को जरूर थी ने, तो मेवाड़ में से गुजरात में आए थे। अच्छा अच्छा, सुरेंद्रनगर पास खोड़ गांव था, वहां से चेतक नाम का अश्व लिया था। तो आपके हिसाब से जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था वो काठियावाड़ी था? काठियावाड़ी था, काठियावाड़ी था, खोड़ गांव का, वाकांड के पास खोड़ गांव आया। अच्छा, वहां का था वो, अमीर चारण के पास से लिया था उसने। अच्छा अच्छा, तो आप भी जैसे कि घोड़ा घोड़ी लेते हो ये काठियावाड़ी, तो आप भी क्या बबरियों का देखते हो क्या? पूरा पूरा। क्या देखते हो बबरियों में, यानी कि उमरियों में? मैं देखते इसके 36 खोट होती है। अच्छा, तो आप बेड़ा चढ़ होती है, पछी गोम है, बेटा गोम है, उर भुमरा होता है। तो मैन कौन सी देखते हो आप, यानी कि? देवमणि, देवमन। अगर देवमन है तो लेनी, वरना नहीं लेने, बाकी नहीं लेने के। यानी बचपन से आपके पास में ही है, यानी कि, है ना? आपके घर की ब्रीड है, यानी कि। तो इसको प्रेग्नेंट कराने का विचार है अभी किसी घोड़े से? हाँ हाँ है। किससे? पेडू के, सरकारी घोड़े से ही। सरकारी घोड़े से, तो उनकी फीस वगैरह नॉर्मल रहती है? नॉर्मल रहती है, पर वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा। माप साइज में कंप्लीट काठियावाड़ी होता है। काठियावाड़ी होता है, बाकी का आपने नाम इसका केसर रख रखा है। केसर।